हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ चिकन पॉकेट सैंडविच। बहुत ही टेस्टी यमी चिकन पॉकेट सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। और ब्रेड से ही इतने अच्छे से पॉकेट सैंडविच बने हैं। इसके लिए लिए है मैंने ब्रेड और चिकन का कीमा। ब्रेड की हम साइड निकाल कर लेंगे। चिकन को हमने बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में लिया है। इसके लिए लिए हैं कुछ मसाले। तंदूरी मसाला लिया है, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च लिया है बारीक कटी हुई, दही लेंगे, क्रीम लेंगे, कुछ लिए हैं सब्जियां, तो इसमें लिए थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च, इनको भी बारीक चॉप किया है। एक हाफ नींबू का जूस लेंगे, थोड़ा सा लेंगे मैदा और लेंगे ब्रेड क्रम्ब। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें डालते हैं दही, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च, हरी मिर्च को अच्छी तरह क्रश करके भी ले सकते हैं। सभी डालेंगे मसाले और नींबू का जूस डाल देंगे और मलाई है ना क्रीम, वो डालेंगे इसके अंदर, ताकि इससे हमारा चिकन ना बहुत ही क्रीमी क्रीमी चिकन टिक्का बनेगा इससे। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे एक साइड थोड़ी देर के लिए। हाथों हाथ भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। एक पैन में मैंने तीन तीन टेबल स्पून डाला है ऑयल। और अब डाल देंगे हम अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो इसको इस तरह फैला देंगे चिकन को अच्छी तरह से, ताकि एक साथ ये जुड़े नहीं। चिकन बहुत जल्दी जुड़ जाता है जो कीमा होता है। तो इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे ताकि इसमें अच्छे से डॉट भी आए नीचे। ऐसे 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर डॉट्स आ गए नीचे। और अच्छी तरह सभी को मिक्स करेंगे ताकि दूसरी साइड भी इस पर अच्छे से डॉट्स आ जाए और ये बहुत ही अच्छा मलाई चिकन टिक्का बनकर तैयार हो। इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसमें पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। इसको फिर साइड चेंज करेंगे। ये देखें बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है इसके ऊपर, ब्राउन ब्राउन सा, और ये चिकन टिक्का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। साथ ही डाल देंगे सब्जियाँ। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे। सब्जियों को हमने क्रंच बरकरार रखना है तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और मसाले हमने पहले ही शामिल कर दिए इसके अंदर। तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। अब ब्रेड के हम इसके सभी साइड निकाल लेंगे, इस तरह कट करेंगे। और दो दो स्लाइस लिए हमने। अब ब्रेड को हम बेलेंगे। दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, दो को इस तरह बेलेंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरह से थोड़े बड़े भी हो जाएं साइज में और एक दूसरे से चिपक भी जाएं। अब इसकी जो ये एक्स्ट्रा साइज़ है इसको निकाल देंगे, क्योंकि मैं इसके कुछ चाकोर पीस बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी राउंड शेप में। ये देखिए मैंने कुछ चाकोर पीस बनाए हैं और कुछ इस तरह से राउंड पीस बनाए हैं। तो सभी ब्रेड को मैंने इसी तरह बनाकर रख लिया है। ये दो दो स्लाइस हैं ब्रेड के। और जो मैदा ली है इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। एक ब्रेड का जो हमने बेल कर रखा है स्लाइस, उसको इसके अंदर मैदा के अंदर डिप करेंगे और ब्रेड क्रम के अंदर इसको कोट करेंगे। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से कोट करना है ताकि जो हमारी मैदा है उसके ऊपर सब कुछ ये ब्रेड क्रम अच्छी तरह से चिपक जाए। एक हाथ से मैदा में डिप करेंगे और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह कवर करेंगे और सभी को इसी तरह बनाकर रख लेंगे। पहले हमने ऑयल गरम किया है और हमने सभी ब्रेड को इसमें ब्रेड क्रम लगाकर रख लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से जल जाएंगे ये। और बस इस तरह इसके ऊपर ऑयल उछालेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फूले और सिके भी।
इसको इस तरह दबाएंगे ताकि ये फूल जाए, बीच में से फूलेगी तभी तो इसके अंदर पॉकेट्स बनेगा। इसी तरह हम ऑयल को इसके ऊपर डालते रहेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूली है, एकदम पूरी की तरह। इसको हम पूरी भी उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी भी खा सकते हैं इसी तरह से बनाकर। ब्रेड की बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ऐसी ही पूरियाँ। तो सभी पॉकेट्स हम इसी तरह बना लेंगे। देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमारी स्टफिंग भी तैयार है। तो स्टफिंग में मैंने आधी स्टफिंग में थोड़ी सी मेयोनीज और टमाटो सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाए। जो हमने पॉकेट्स बनाए हैं इनको बीच में से इस तरह कट कर लेंगे। ये देखें कितना अंदर से इतने गैप निकला है, इसमें स्टफिंग भरने के लिए बहुत ही अच्छा सा गैप बना है। इसके अंदर अच्छी तरह से स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। स्टफिंग तो बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बनाई हमने मेयोनीज वाली स्टफिंग और ये है बिना मेयोनीज की। बिना मेयोनीज के भी इसके अंदर रख सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सभी को हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एक बार ज़रूर ट्राई करें चिकन पॉकेट सैंडविच।